डेरिवेटिव्स की दुनिया हमारे ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट की दुनिया से डिफरेंट होती है, लेकिन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में एंटर करने में काफी हेल्प कर सकती है। बट डोंट वरी, यू हैव कम टू द राइट प्लेस टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। हाय, आई एम ऋषभ शर्मा, दिस इज एस्प्रेसो बूटकैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वी लुक एट द मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, साथ ही साथ हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है ट्रेडर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज ओपन इंटरेस्ट। कोई भी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में तब तक ओपन रहता है जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता या फिर जब तक उसे स्क्वायर ऑफ नहीं किया जाता। ओपन इंटरेस्ट इज द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज येट टू बी सेटल्ड। चलिए अब देखते हैं ओआई और वॉल्यूम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। व्हाइल ओआई ओनली कंसिडर्स ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉल्यूम टेक्स इनटू अकाउंट्स एवरी ट्रेड, बी इट ओपन और क्लोज्ड। दस वॉल्यूम विल इंक्रीज जैसे ही कोई ट्रेड क्लोज होता है, पर ओआई जो है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे ही आप अपनी किसी ट्रेड को क्लोज करते हैं। फर्दर वॉल्यूम इज अ डेली फिगर, इसका मतलब यह है कि जीरो से स्टार्ट होता है एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन। ऑन द अदर हैंड ओआई जो है वो एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है अपने प्रीवियस सेशन का। अब आगे बढ़ते हुए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसे हम कहते हैं मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट या फिर MWPL। MWPL रिफ्लेक्ट करता है आप ज्यादा से ज्यादा कितने ऑप्शन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन कर सकते हैं एक बार में। किसी भी स्टॉक के मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कितने होंगे ये भी MWPL की हेल्प से ही डिस्कवर किया जा सकता है। किसी भी स्टॉक का ओआई अगर 95% ऑफ MWPL से हाई हो जाता है तो उसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में फर्दर ट्रेड करने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। फिर जब तक उस स्टॉक का ओआई 80% ऑफ MWPL के बिलो नहीं आ जाता तब तक उसमें न्यू ट्रेड की परमिशन नहीं मिलती है। ड्यूरिंग दैट टाइम स्टॉक्स आर सेट टू बी इन द बैन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स का ओपन इंटरेस्ट और MWPL का डेटा। वी कैन सी दैट द स्टॉक्स ए बी सी एंड डी कैन एंटर इनटू FNO बैन लिस्ट एज MWPL इज मोर देन 85% ऑफ द ओपन इंटरेस्ट। ओआई हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ट्रेडर्स इससे किसी भी स्टॉक की प्राइस का डायरेक्शन या ट्रेंड को समझने के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर ओआई डेरिवेटिव्स मार्केट में इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स मार्केट के ट्रेंड पर ट्रस्ट कर रहे हैं और अभी यह ट्रेंड परसिस्ट करने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की लिक्विडिटी के बारे में भी इंडिकेट कर देता है। तो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। Tell us what you think in the comment section below and don't forget to like, share and subscribe. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.